सुप्रभात दोस्तों। तो आज एक छोटी सी स्टोरी है और उससे जुड़े एक जगह पे हम जाएंगे अभी। तो स्टोरी यह है कि एक कृष्ण भक्त ब्राह्मण जो किसी तरह अपना जीवन यापन करता है, उसे एक बार पैसे की जरूरत पड़ती है। वो एक साहूकार के पास जाता है, साहूकार उन्हें पैसे दे देता है। वो पैसे जल्द वापस लौटाने का वादा करके वापस लौटता है। वो बिल्कुल हर महीने टाइम से पैसे लौटाता है साहूकार को। आखिरी महीने की किस्त लौटाने से पहले साहूकार उसके घर एक वसूली का पत्र भिजवाता है। ब्राह्मण चिंता में आ जाता है। वो दोनों कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में ब्राह्मण जज साहब से कहता है कि जज साहब, हमने सारे पैसे बिल्कुल टाइम से लौटाए हैं, बस आखिरी की किस्त रह गई है। साहूकार बोलता है कि यदि तूने पैसे लौटाए हैं तो बताओ, किसी ने देखी होगी, कोई गवाह तो होगी। वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि कोई गवाह नहीं था, किसी ने देखा नहीं था। फिर उसे भगवान याद आता है। वो बांके बिहारी का नाम ले लेता है। बांके बिहारी का उसे पता पूछा जाता है तो बांके बिहारी के मंदिर का पता दे देता है। बांके बिहारी के मंदिर में नोटिस भेजी जाती है। अगली हियरिंग पे एक बूढ़ा आदमी आता है और जैसा साहूकार के खाते में डेट और पैसे लिखे थे वो बिल्कुल सही बता देता है। ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया जाता है, लेकिन जज साहब टेंशन में आ जाते हैं। वो बांके बिहारी के मंदिर जाते हैं, वहां पता करते हैं तो पता चलता है कि यहां तो ऐसा कोई बूढ़ा नहीं रहता। फिर वो पूछते हैं वो नोटिस, फिर तो बोला जाता है कि भाई यहाँ जो भी पत्र आता है वो हम भगवान को चढ़ा देते हैं। फिर वो इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही थे। वो अपनी जज की पोस्ट से रिजाइन करते हैं और वो निकल पड़ते हैं भगवान कृष्ण को ढूंढने, बिल्कुल पागलों से। और वो कुछ दिन बाद वृंदावन लौटते हैं एक पागल बाबा बनके। वहां एक भव्य मंदिर का वो निर्माण कराते हैं। इसी से जुड़ी एक दूसरी बात प्रचलित है और वो ये कि जब उसे पता चलता है कि वो भगवान कृष्ण ही बूढ़ा आदमी थे तो वो बिल्कुल पागलों से उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। और वो हर भंडारे में पहुंचते हैं, वहां के जूठे पत्तलों को इकट्ठा करते हैं और उस जूठन को वो आधे खुद खाते हैं, आधे ठाकुर जी को चढ़ाते हैं। लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और बाद में उसे लोग पागल मान लेते हैं और इस तरीके से उसका नाम पागल बाबा पड़ जाता है। कहते हैं एक बार जब वो जूठन इकट्ठा किए तो वो भूल गए भगवान को चढ़ाना। उसे याद आया आखिरी निवाले के वक्त। वो इस सोच में थे कि यदि मैं मुंह वाला दूंगा तो ये तो झूठा हो जाएगा। और इसी दौरान भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि आज तक तो तूने दूसरे के झूठे खिलाए, आज खुद के झूठे खिला दो। और वो तभी दुनिया छोड़ देते। आसाम में एक जगह है सपाट ग्राम, ये पागल बाबा वहीं से थे और कोलकाता हाईकोर्ट में जज थे। मैं इस स्टोरी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पागल बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर भी आए थे और यहाँ इन्होंने जसीडी के बगल में एक मंदिर बनाई। लोकल लोग जिन्होंने इन्हें देखा है, पुराने लोग, वो बताते हैं कि बहुत सारी चमत्कारी शक्तियाँ ये दिखाते थे, जैसे चलती हुई ट्रेन को ये रोक देते थे या फिर जहाँ इसका भजन कीर्तन चल रहा होता था यदि बारिश हो रही होती थी तो वहाँ नहीं होता था। इस तरह की चीज़ों से लोग बहुत प्रभावित थे। अखंड हरिनाम संकीर्तन चलता है जो 108 वर्ष तक चलने वाली है, वो जारी है बिल्कुल 24/7 365 दिन लगातार यहाँ चलता रहता है। यहाँ पे इनका एक गौशाला भी है, एक होम्योपैथिक सेंटर भी है, सारे निःशुल्क हैं, फ्री हैं। यहाँ पे इन्होंने भक्तों के लिए 40 कमरों की व्यवस्था भी कर रखी है, यदि कोई आता है तो उसके रहने की व्यवस्थाएँ हैं। बगल में इसका एक श्री लीलाधर पागल बाबा विद्यापीठ एक स्कूल भी चलता है, वो भी निःशुल्क है, फ्री है। मुझे लगा इस जगह के बारे में बतानी चाहिए तो मैंने बताया। और ठीक है, बस इतनी थी स्टोरी, बात खत्म हुई। मिलते हैं अगली वीडियो।